आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव मोहनपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। 2400 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती सर्वेश देवी के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान सर्वेश देवी और सचिव नरेंद्र प्रताप के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के मोहनपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक करवा दिए आपने गाँव में? सन 2011 की सर्वे का था जी, जो आवास थे जी वो सारे बनवा। कितने आवास मिले? 10। 10 आवास है जी। जी। और रास्ते गाँव के 15-16 रास्ते जी, ये भी करा सीसी टाइल्स वगैरह का बनाया। सीसी टाइल्स क्या रास्ते पूरे पक्के हो गए हैं या अभी भी कच्चे रास्ते? अभी रहे हैं काफी जी। कितने मीटर सीसी से जो है पूरा गांव आपका पक्का हो जाएगा? लमसम 2-1 किलोमीटर मिल जाए तो सही है। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत पूरी जी। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ आपके गांव में सभी लोगों को मिला है? ये सारे मिला है, लगभग 350 के आसपास कनेक्शन मैंने करवाया जी। किसानों के खाते में सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है वो कितने परसेंट लोगों का आपके गांव में आया है? लगभग ऐसे मान लीजिए 40% पैसा अभी तक आया। केवल 40% जी। जी, यहाँ सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है आपने? आज की लाइट लगवाई है। स्कूलों में टाइल्स का काम भी कराया, बाउंड्री वाल भी कराई है और समर टेबल वगैरह, मतलब पानी की व्यवस्था सही करवाई है वहाँ पर। यहाँ अपने आपकी ग्राम पंचायत में जो है सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन नहीं है, बारात भवन नहीं है। पंचायत भवन है मगर वो पंचायत भवन जर्जर नहीं है, जर्जर हालत में। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है, जगह टूटी हुई है। शमशान घाट कब्रिस्तान? शमशान घाट है हमारे यहाँ, बहुत बुरी स्थिति में है इस समय, तो उसके शमशान घाट होना चाहिए। नव निर्माण के लिए आप जो है हमने प्रयास भी किया था जी, मगर हमारे पास हम मिल नहीं पाए, मतलब स्वीकृति आपको मिली नहीं या धनराशि पूरी नहीं, पर्याप्त नहीं हुई जी। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र तो आपके यहाँ ही है, जो यहाँ बैठती हैं, दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं लोगों को जी। अब जैसे ये बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है सभी जगह, तो आपने इससे बचाव के लिए अपने गांव में दवाइयाँ वगैरह का छिड़काव करवाया है? दवाई की प्रक्रिया चल रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं कराया है। पिछली बार मच्छरों की जो दवाइयाँ थी वो छिड़कवा दी, वो छिड़कवाई गई थी यहाँ पर। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? सही है, साफ सफाई कर्मी सब आते हैं सर? समय पर सफाई कर्मी हमारे आता है, और अगर किसी वजह से ज्यादा गंदगी हो जाती है तो टीम लगा कर अपने स्तर पर आप यहाँ सफाई करवा देते हैं। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? देखिए मैम, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा गाँव स्वस्थ होना, बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो जी। और वैसे तो अभी हमारे यहाँ अभी लमसम ऐसे मान लीजिए 20% लोग ऐसे हैं जी जो लोगों को आवाज नहीं मिल सके, क्योंकि हमने अभी सर्वे किया था जी, लगभग 85 से ऊपर ही सर्वे ऐसा गया कि कच्चे मकान जी, लगभग 90 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है जी। इसके अलावा और जैसे कोई समस्या ऐसी गांव में है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार मदद दे आपको, खासतौर से ध्यान दे ग्राम पंचायत? समस्या तो ये है कि मिशन अंत्योदय में हमारा गांव है जी, अंत्योदय में हमारा गांव है, अंत्योदय में तो जैसे मान लीजिए नल वगैरह है, हेड पम्प वगैरह जी और टंकी वगैरह, ओवरहैंड टैंक ये तो होना चाहिए जी, ओवरहैंड टैंक यहाँ पर जो है जरूरत जी।
जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इन चार सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, ओडीएफ भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ समस्याएं बाकी हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन जी, ओडीएफ भी ग्राम पंचायत हो ही चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन का यहाँ निर्मित होना बहुत जरूरी है। शमशान घाट जो कि यहाँ पर निर्मित नहीं है, उसके लिए प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। इसके अलावा लगभग 90 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, जिसके लिए प्रधान प्रमुख रूप से यहाँ मांग रखना चाहते हैं। ओवरहैंग टैंक हैंडपंप को लेकर भी यहाँ पर जो है जरूरत जताई गई है। अशरफ अली के साथ मिनाजरीन, टुडे 24।